रिपेयर होके वॉच दूसरी मिल चुकी है, तो इस तरीके से आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। एंड वो प्री प्रोसेस मैंने ऑलरेडी जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया था कि कैसे क्या आपको प्री प्रोसेस करना है। जो कंपनी कुछ स्टेप्स आपको प्रोवाइड करेगी, उसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। उसके बाद कंपनी आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो पिकअप करेगी, पिकअप करने के अराउंड 7 डेज बाद आपको मिल जाएगा। सो गाइज, अभी हमने पहले कुछ टाइम फायरबोल्ट की वारंटी कैसे क्लेम करते हैं मैंने आपको एक वीडियो बना दी थी, और अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज लगे मेरे पास ये एक रिप्लेसमेंट आया है। एंड थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ती है जब आप कंपनी को वारंटी क्लेम करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको पहले प्री स्टेप्स भेजेगी वो, कैसे आप इशू को रिजॉल्व कर सकते हो। अगर उससे भी नहीं होता है देन ओनली वो एक्सेप्ट करते हैं रिक्वेस्ट को। और मेरी वॉच अराउंड 2 से 3 महीने की वारंटी पेंडिंग थी, तो मैंने इसको रिप्लेसमेंट के लिए भेजा, और मतलब चार्ज ही नहीं हो रही थी जो मेरी फायरबोल्ट की वॉच है। तो देखते हैं क्या कंपनी में वही वॉच भेजी है, कोई और वॉच भेजी है, वो चेक करते हैं यहाँ पे। क्योंकि कई बार ऐसा लोग सब हुआ है ना कि मतलब वाला यूनिट उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो कंपनी ने कुछ और कोई और भेज दिया। तो यहाँ पे देखते हैं एस्ट्रॉइड ही मिली है कोई और, तो यहाँ पे एस्ट्रॉइड ही मिली है और ब्लैक कलर ही भेजा था मैंने, और ब्लैक कलर ही दिया उन्होंने। अब अगर ये ब्लैक कलर नहीं होता, सपोज उनके पास ऑरेंज कलर होता, तो वो इनफैक्ट ऑरेंज नहीं भेजते आपको, उसकी जगह कोई और वॉच भेजते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिप्लेसमेंट वो वाले यूनिट का ही भेजते हैं जो आपका होता है। अगर उनके पास नहीं होता है तो वो नहीं देते हैं, तो ये है कहीं ना कहीं। बट उससे बेटर ही वर्जन देते हैं, बेटर ही वॉच देते हैं आपको, तो ये है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये ओके टेस्टेड वॉच है, सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ओके टेस्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे भी, तो इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने अभी इसको ओपन नहीं किया फिलहाल, तो यहाँ पे ये रही हमारी वॉच इटसेल्फ। एंड ये दूसरा यूनिट है, एक्चुअली वो नहीं है जो मैंने भेजा था लग रहा है मुझे, देखते हैं। यहाँ पे माउंट करते हैं इसमें, होपफुली बैटरी हो। यस, ऑन हुई है। तो गैस यहाँ पे यूनिट तो दूसरा मिला मेरे को। यस, प्रॉपरली वर्किंग है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका चार्जिंग केबल और ये, बट ये गैस न्यू यूनिट नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अदर पैम्पलेट्स नहीं है, और ना ही यहाँ पे चार्जर जो है इसका केबल वो पॉली रैप नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सिर्फ वॉच वॉच रिप्लेस करी गई हो, या वॉच को रिपेयर किया गया हो। तो एक बार हम साइन देखते हैं वॉच का, ये रिपेयर्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्लोजली इसको एग्जामिन करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे फायरबोल्ट की बैजिंग मिल जाती है अलग से, ये नहीं थी एक्चुअली इस वाले यूनिट में। और यहाँ पे स्क्रैचेस तो हैं, तो गाइस स्क्रैचेस तो हैं यहाँ पे। एंड ये देख सकते हो ये मेरा वाला यूनिट लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैचेस हैं, और यहाँ पे ये पीछे का ये कैबिनेट जो है वो खोल के चेंज किया गया मुझे लग रहा है। तो ये रिपेयर्ड वॉच है, रिप्लेसमेंट में आपको रिपेयर मिल रही है, पहले रिप्लेसमेंट पूरा मिलता था बट अब ये रिपेयर दे रही है कंपनी। तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मेरे तो वॉच खराबी थी, डेड थी, तो मेरे को यहाँ पे पूरा रिप्लेसमेंट मतलब रिपेयर होके वॉच दूसरी मिल चुकी है। तो इस तरीके से आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। एंड वो प्री प्रोसेस मैंने ऑलरेडी जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया था कि कैसे क्या आपको प्री प्रोसेस करना है। जो कंपनी कुछ स्टेप्स आपको प्रोवाइड करेगी, उसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। उसके बाद कंपनी आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो पिकअप करेगी, पिकअप करने के अराउंड 7 डेज बाद आपको मिल जाएगा। तो आप जब रिक्वेस्ट सबमिट करते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 डेज बाद या 24 to 48 आवर्स बाद कंपनी आपको रिप्लाई बैक करती है कि आप ये कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप्स आप फॉलो कर लो, उसके बाद आपकी वॉच वर्क करने लगेगी। उससे भी नहीं होता है देन उसके बाद कंपनी चौथे या पाँचवें दिन आपको मैसेज करती है, मेल करती है, और बोलती है कि पिकअप हैज़ बिन शेड्यूल्ड। तो आपके घर से पिकअप होता है डिलीवरी के थ्रू या ब्लू डार्ट के थ्रू आपके घर से पिकअप होता है, और आपको बस बॉक्स पैक करके रख देना है, जिस बॉक्स में मतलब नॉर्मल ये जो बॉक्स होता है, अलग से कोई और पैकिंग नहीं करनी है आपको, ये बॉक्स दे देना है डिलीवरी जेन को, वो आपके यहाँ से प्रोडक्ट पिकअप करेगा। और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज़ के अंदर, 5 to 7 डेज़ के अंदर आपके पास वॉच पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से मेरे को वॉच मिल चुकी है। तो गैस यहाँ पे ये वॉच अच्छी थी, एमोलेड डिस्प्ले के साथ थी, और अभी तो एक किलर डील पे मिल रही है सर, 1500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, मतलब 1600 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। तो जो चाहिए, जिसको चाहिए वो ग्रैब कर सकता है। एंड एमोलेड डिस्प्ले के साथ वॉच मिलती है 1600 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, काफ़ी अच्छी डील बन जाती है। तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरीके की वीडियोस आप सभी के लिए आती रहती हैं। एंड बेल आइकन को भी आप ऑल कर सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको बाय करनी है इस वॉच को। और इवन वारंटी क्लेम करने वाली लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आके आप वारंटी क्लेम कर सकते हो इस वॉच की इटसेल्फ। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय।